प्यार, पहाड़ों से प्यार, इन वादियों से प्यार। भाई साहब मैं कहाँ पर आ गया, बहुत दिनों के बाद। कभी कभी लाइफ में आपको सब कुछ छोड़ के खो जाना पड़ता है, और खोने के लिए आपको पहाड़ से अच्छा जगह नहीं मिलेगा। दुनिया से दूर, शोर शराबे से दूर, मैं चला पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों में रहना भी आसान नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि पहाड़ों की लाइफ भी जिए। तो इसलिए हमने चिकन बनाने का कोशिश किया, पत्थरों के ऊपर आग जला के। तो ये सारी चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है जितना कि आपको देखकर लगता है। तो ये कहानी है मेरे घर से कुछ दूर लोंगतोराई पहाड़ का, जो मेरे नज़रिए से आपको दिखाऊंगा आज कैसा दिखता है लोंगतोराई पहाड़ और उसका व्यू। तो चलिए एक साथ मिलकर चलते हैं। तो हेलो जी, कैसा है हालचाल, मैं आपका विशाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफलातून व्लॉगर। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना एक छोटा सा एक राइड हो जाए, और राइड के साथ एक जगह है जो इससे पहले मैंने बहुत बार उस जगह पर मैंने जा चुका हूँ। आप लोगों को भी पता है मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 2 वीडियोस है, फिर से उस जगह का मुझे एक्सप्लोर करना है। क्या चिकन वगैरह ले लिया हमने, उसके बाद देखते हैं खा सकते हैं पता नहीं, 1 kg ले लिया हमने, तो 2 आदमी 1 kg, मतलब समझ सकते हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं, मज़ा तो आएगा। तो वीडियो में देखते रहो पूरा एकदम। और बहुत दिनों के बाद बाइक चला रहा हूँ, मेरा ये वाला बाइक बादशाह को लेकर मैं 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से मैं चल रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको ही निकाल दूँ। तो इसका थोड़ा सा काम वगैरह होगा कुछ दिनों में, इसका हैंड गार्ड आएगा, मैं हैंडल चेंज करूँगा, टूरिंग हैंडल लगाऊँगा। तो देखते हैं, आपको वीडियो में मैं डालता रहूँगा क्या कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइज चीज़ है, एक खुश करने वाली एक चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा जब भी आएगा उसमें बताऊंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल। सो वी जस्ट ऑलमोस्ट एंट्रेंस इन लोंगतोराई हिल्स। तो आप जब अगर इस रास्ते पे आओगे, उसके बाद आपको दिखा जाएगा 3-4 दुकान इधर पे, गाड़ी वगैरह भी रुकता है इधर से, तो इधर से आपको सीधा थोड़ा सा सामने जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जो इधर भी अपने ब्लॉग में बता रहे हैं तो मैं भी एक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, कन्फ्यूजन हो जाता है ना इसलिए। तो इधर से आपको राइट लेना पड़ेगा, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला, ये आपको राइट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो। इधर पर लोग बैठते हैं, अपना सब्जी वगैरह बेचते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। तो इधर से राइट से आपको जाना पड़ेगा। तो शायद से अभी इन बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता था ये, तो शायद से मुझे लगता है काम हुआ है, नया रोड हुआ है यहाँ पर, बहुत दिन से मैं नहीं आया ना इसलिए मुझे मालूम नहीं है। तो लगता है अच्छा खासा काम हुआ है। तो यार और एक दिक्कत की बात है, मैं बोलना भूल गया था, GoPro जो 9 है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी हैंग हो जाता है। मैं अभी रिकॉर्ड करते करते उसके बाद देखा कि मैं टाइमर जो है ना वो जस्ट 24 पे आके अटक गया, बस पता नहीं क्यों, मतलब इतना प्राइस दे के अगर इतना पैसा लगाकर मैंने कोई चीज़ खरीदा वो हैंग करेगा, मतलब GoPro जैसा कंपनी, मुझे मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, तो पता नहीं। लेकिन जो इधर से एक व्यू है ना भाई, सही है एक इधर से एक व्यू है अच्छा, लेकिन अभी शायद से बारिश पहले हो चुका है, उसकी वजह से जो बादल वगैरह है वो सब कुछ हट चुका है। तो सामने जाके देखना पड़ेगा कि क्या व्यू मिलता है हम लोगों को। इधर से एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़ारा आता है फ़ोटो का, तो हम लोगों ने ढेर सारा फ़ोटो वगैरह खिंचा लिया है इधर से। जोयदा ने मेरा एकदम सही से फ़ोटो खींचा है, और इधर से आप एक व्यू मिलता है बहुत ही अच्छा।
बहुत ही अच्छा एक व्यू है, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। इधर से आपको मिलेगा, इधर पे एक पेड़ है इसके सामने, अगर आप आते हो तो इधर पे एक दो फोटो देखना, एक बढ़िया आता है। तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लेट हो गया तो बहुत सारा काम है हमको करने के लिए। तो श्री शिकरीबाड़ी टावर के बाद जो BSF का कैंप है उनका, तो इधर से आपको जो अच्छा रास्ता हुआ था तो इधर से आपको ख़त्म हो जाता है इस जगह से, तो उसके बाद आपको मिलेगा फिर से वही पुराना रास्ता। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आप देख ही सकते हो कि फिर रोड का जो नीचे का जो भी मतलब जिस चीज़ से रोड बना है ठीक है, तो पत्थर निकल चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, रिस्की है। आप थोड़ा सा जब भी आओगे ध्यान से आना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से आते हैं थोड़ा सा इधर उधर होने से गिर जाते हैं ठीक है, थोड़ा सा देख के आना आप। और एक टिप्स है, अभी आप जब आओगे ना अकेले मत आना कभी भी, क्योंकि थोड़ा सा ये जगह रिस्की है इधर का, अंदर में उधर का नहीं है, पहले जो जगह है हम लोगों ने क्रॉस किया उधर तक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर में थोड़ा सा है रिस्की मुझे लगता है, तो आप उस वजह से आप कभी भी अकेले तो मत ही आओ। बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो डेंजरस रास्ता है, पूरा जो ये सॉयल है पूरा उठ चुका है, इसकी वजह से जो पत्थर के छोटे छोटे दाने हैं वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको ध्यान रख कर जाना। तो ऑफ रोडिंग ठीक ठाक से शुरू हो चुका है हमारा, सामने जाके थोड़ा सा और भी ख़राब आपको मिलेगा रास्ता, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चलाने में, लेकिन कोई नहीं, हमें तो मतलब पहले से जुनून है और ऑफ रोडिंग करने का कीड़ा है छोटे समय से, तो आराम से आ जाना, थोड़ा सा देख के आना बस, मेरी रिक्वेस्ट यही है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव रीच जिस जगह पर हमें जाना है, तो अभी ऑलमोस्ट आ चुके हैं हम, बस बारिश आ जाए बस। ओ भाई साहब ये देखो ऑफ रोडिंग का बाप, थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा मुझे शायद से लगता है, ऑलमोस्ट यस हो गया आराम, वो समस्या नहीं। नमस्ते भाई साहब, ये नीचे जा रहा हूँ मैं, ओ भाई साहब देखो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है रास्ता एकदम, ड्रिप पूरा रुई से, कितनी बार स्लिप मतलब क्या ही बताओ। चलो ऑलमोस्ट आ गए हम, ऊपर निकलते हैं अभी, बहुत ही ज्यादा ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, जब भी आओगे ना थोड़ा सा संभाल के इस जगह पर, जो दिखता है वो ऐसा नहीं है, आराम से वो लगेगा कि आप उठ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है, इधर सामने और भी है तो थोड़ा सा आपको देख कर उठना पड़ेगा। बहुत मेरे बहुत सारे दोस्तों हैं जो इधर पे आके बाइक लेके गिर गए, क्योंकि जगह का उनका कोई दोष नहीं है, जगह का एक जो है बहुत ही ज़्यादा ये जगह दो दिन बाद जो है ईंट वगैरह देते हैं वो हट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है आपको, थोड़ा सा देख के आपको जाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। जोयदा को उतर दिया क्योंकि पता नहीं अगर गिर गिर गया तो ठीक है, बारिश भी आ रहा है, ऑलमोस्ट हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं यार, ऑफ रोडिंग आज ठीक ठाक से मिल गया। आ जाओ जोयदा, ओ भाई क्या व्यू है इधर पे, सही व्यू है, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। भाई साहब मैं कहां पर आ गया, बहुत दिनों के बाद हो ये सब क्या है। नीचे से नीचे बाइक पार्क करके ऊपर की तरफ हम लोग आ चुके हैं,
और इधर पे एक घर है जहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चिकन वगैरह पकाएंगे, उसके बाद खा के वहाँ से एक मस्त वीडियो बना के उसके बाद चलेंगे। तो देख ही सकते हो कितना अच्छा मज़ेदार व्यू है ना। आप लोगों को जम्पू जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अम्बासा पे जो एरिया में पड़ता है लॉन्ग तोराई शिकारी बरिया में आओ, ये आपको व्यू मिलेगा। बोल रहा हूँ क्या मस्त व्यू है। पत्थर के ऊपर चिकन रख के उसको पकाएंगे, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। तो पूरा दे हिल्स नहीं है यार, त्रिपुरा का पहाड़ों और कोई स्टेट नहीं है। ये है हमारा शिकारी बरी यानी कि लॉन्ग तोराई का सबसे ऊंचा जगह। क्या व्यू आ रहा है देखो। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, छह लेवल व्यू। आपको मेरे साथ नीचे लेके चलता हूँ, देखकर जाना पड़ेगा। वो क्या देखो नीचे, thank you.
तो अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी पकड़ लो आप 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए एक हवा बहता है, उसके बाद फिर से अभी बंद हो जाता है और फिर से 10-15 सेकंड के बाद फिर से हवा बहता है। तो इसमें एक अलग ही मज़ा है जो आपको इधर पे आके मिलेगा, और कंटिन्यूसली यहाँ पर हवा बहता है। रिफ्रेशमेंट आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं जंगलों से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और जोई तो अपना पीक ड्रोन शॉट में लेने में बहुत सारा बिजी है। तो अभी चलते ऊपर की तरफ। दिस सीम्स वाव जस्ट ऑसम थिंग्स। लुक एट द प्लेस एंड क्या ही बोलूँ इसके बारे में। पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कब 5:30 बज चुका है। इतना मज़ा आ रहा है, कोई नहीं है, ना कोई गाड़ी का आवाज़, ना कुछ, शांति ही शांति चारों तरफ। जस्ट ये व्यू देखो आप यार, मन को शांति करने वाला एक व्यू। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं दूसरे साइड पर आ गया था, तो इधर को मेरे को दिखा 3-4 छोटे छोटे घर। यहाँ से भाई साहब इतना नीचे है ना, कैसे मतलब ये लोग रहते हैं, 2-3-4 ही घर होंगे तो पता नहीं, लेकिन जो भी है इधर पे रहना और उसके साथ आपको मतलब लाइफ आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है यहाँ से। ओके दैट्स इट फॉर द डे, आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग लॉन्ग तोराई का। तो यस वी जस्ट ऑलमोस्ट डन, तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, और जल्दी एक सरप्राइज आने वाला है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए सफ़र पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।